तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे आप ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं हर एक रेडमी नोट 5, रेडमी नोट 6 प्रो, रेडमी नोट 5 प्रो में। और MIUI 10.4 अपडेट के बाद वो ऐड हुआ था, ठीक है। तो कैसे कर सकते देखते हैं, हमारा देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में ऐड हो गया है, होल्ड देखिए हमारे स्क्रीन में ऐड हो गया है, ठीक है। देखिए होल्ड एंड स्कैन, ठीक है, ऐड हो गया, इधर होल्ड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं मेरा होम स्क्रीन में लेके चलता हूँ आपको, ठीक है, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, अब मैं चलता हूँ मेरे होम स्क्रीन पे। आप देख रहे हैं यह कोई ऐप नहीं है, तो सब खेल थीम का है, ठीक है, थीम का खेल है। जो ये वाला जो है बहुत ही अच्छा थीम निकल के आया है थीम स्टोर के अंदर, यह है थीम, ठीक है। इस थीम के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। थीम में जाना है, लिखना है iOS सिंपल, ये वाला सर्च बटन में लिखना है, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद यह डाउनलोड होगा। डाउनलोड के बाद अभी अप्लाई करना पड़ेगा, आपको सेट हो जाएगा डिफॉल्ट पे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा फोन रिबूट हो जाएगा पहले बार, उसके बाद आपको ठीक करना, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपका स्क्रीन में आ जाएगा यह आपका जो लॉक स्क्रीन होगा और इस जैसे दिखेगा, ठीक है। आपका लॉक स्क्रीन यह जैसे दिखेगा, आपको यह जो बटन दिख रहा है ना होल्ड एंड स्कैन, ठीक है, आप बार बार दिखाएगा होल्ड एंड स्कैन, ये वाला शो होगा, ठीक है, ये वाला जो है ना ये वाला शो होगा, ये बंद करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिंगर यह रखना है, ठीक है, आपका जो फिंगर है वह रखना है, और आपको जो फेस अनलॉक था, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ पहले क्या करना है। आपको जो फेस अनलॉक ऐड हुआ है स्क्रीन पे, जो फेस अनलॉक ऐड हुआ है, इधर जाके लॉक स्क्रीन, यहाँ जाके आपको जो मैनेज फेस अनलॉक ऐड हुआ, आपको पहले आपका फेस ऐड कर लेना है, उसके बाद ही ये काम करेगा, ठीक है। फेस अनलॉक ऐड हुआ, उसके बाद यहाँ जाके यहाँ आपको होल्ड एंड स्कैन पे क्लिक करना है, वो होल्ड एंड स्कैन करना है, और आपका फेस देना है, आपका जो कैमरा है वो फेस का बल रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका इंस्टेंट अनलॉक हो जाएगा, तो आपका दोस्त के सामने आपका दोस्त को लगेगा क्या आपको मोबाइल में ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट ऐड हो गया। ये दोस्त का बेवकूफ़ बनाने के लिए एक काम आता है, मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आ गए, देखिए मेरा ऐप प्रेस किया खुल गया, ठीक है। ये देखिए कैसे करना पड़ेगा, ये देखिए मैं मेरा फेस ऐड है, ठीक है, मेरा पहले मेरा फेस ऐड है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये देखिए मैं ऐड किया खुल गया, देखिए दोस्त का बेवकूफ़ बनने के लिए काम हो सकते है, ऐड किया खुल गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से खुल रहा है, ठीक है। तो मैं इसी के लिए आपको बता रहा था, ठीक है। तो और कुछ नहीं, दोस्त का बेवकूफ़ बनने के लिए एक काम आ सकता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके दोस्तों, चलते हुए आज के वीडियो में इसी तक, सब्सक्राइब करिए हमारा टेक्निकल बाबन चैनल को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं टेक्निकल वीडियो लेके आया, तो मुझे लगा एक फन वीडियो भी लेके आओ, उसलिए मैं ये वीडियो लेके आया, ठीक है। और आपको पता है जो ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट है बहुत ही टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं, वीवो वी नेक्स्ट पहले लेके आया था, बहुत ही टेक्नोलॉजी, तो स्क्रीन में बहुत ही नया टेक्नोलॉजी है, और लॉन्च किया चाइना ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो वो कभी नहीं हो सकता एप्लीकेशन के बिना, और एप्लीकेशन भी फेक है, ठीक है, बहुत सारे ऐड दिखा के आपके मोबाइल के परेशान कर देगा, जंक भर देगा मोबाइल का। मेरा लीजिए ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट नहीं, जो पीछे फिंगरप्रिंट है वो ही बहुत ही अच्छे, ठीक है, और फेस अनलॉक है वो बहुत ही अच्छे, उसी से कम चल रहा है, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय।